कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आप सभी को गोविंद कृष्णदास जी के डी की ओर से मकर संक्रांति की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज सुबह मायापुर इस्कॉन मायापुर से स्पेशली कहां पर पहुंच चुका हूं, कहां आया हूं? आई हैव रीच कटवा। कटवा वो पवित्र पावन भूमि है जहां पर आज के दिन ही हमारे श्री गौर हरि श्री गौरंग महाप्रभु सचिनंदन सचिसूत श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज के दिन ही कटवा में ही सन्यास दीक्षा ली थी। बहुत ही सुंदर लीला है और सिर्फ लीला नहीं सुनेंगे, आज हम उस जगह के दर्शन करेंगे जहां पर केशव भारती जी ने श्री गौर हरि गौरंग महाप्रभु को क्या किया था, सन्यास दीक्षा प्रदान करी थी। आज मकर संक्रांति भी है और बहुत और अनेकों अनेक पवित्र जो यू नो मेनी ऑस्पिशियस पास टाइम्स आज के दिन खासकर हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु की सन्यास दीक्षा। नंबर टू, आज के दिन ही, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र धाम से हूँ, फ्रॉम द लैंड ऑफ भगवत गीता, आज के दिन ही 12 महाजनों में से एक स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनु प्रहलादो जानको भीष्म बलि व्यसकीर वयम, आज के दिन ही बलि महाराज ने क्या किया था, आज के दिन ही भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, जो 12 महाजनों में से एक है, सभी कौरव और पांडवों के जो सबसे श्रेष्ठ हैं, भीष्म पितामह जी ने आज के दिन ही सूर्य उत्तरायण, आज के दिन जो सूर्य है वो उत्तरायण की दीक्षा में जाता है, तो आज के दिन ही भीष्म पितामह लेफ्ट हिज बॉडी वेटिंग फॉर श्री कृष्ण टू कम इन फ्रंट ऑफ हिम इन कुरुक्षेत्र। तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, माई टीम विल पुट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। यू कैन वॉच दैट एक्सक्लूसिव लाइव दर्शन फ्रॉम नरकातारी, जहाँ पर भीष्म पितामह जी ने क्या किया था, अपना शरीर आज के दिन ही त्यागा था, उन्होंने ही विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया था, 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु ग्लोरिफाइंग कृष्णा। उन्होंने राजधर्म स्त्री धर्म कुल धर्म के बारे में ज्ञान देते हुए पांडवों को बताया कि वास्तव में जो विष्णु है, जो मूल विष्णु है, वो भी स्वयं श्री कृष्ण ही है। तो भीष्म पितामह ने आज के दिन ही सूर्य उत्तरायण के समय में अपना शरीर त्यागा था। सूर्य उत्तरायण आज के दिन लोग भगवान सूर्य की क्या करते हैं, आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान करना चाहिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अवाव्यम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वाकु कवे प्रविद। सबसे पहले भगवद गीता भगवान ने किसको सुनाई, अर्जुन को नहीं सुनाई थी, सबसे पहले भगवान ने भगवद गीता सुनाई थी सूर्य को। तो जो सूर्य है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ये सूर्य और कोई नहीं है, ये सूर्य साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आंखें हैं। और सूर्य भी क्या करते हैं, वो भगवद गीता को पढ़ते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। तो अगर हमें आज सूर्य को प्रसन्न करना है तो हमें आज अवश्य भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। सो नंबर वन, संन्यास दीक्षा ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और अगर आप गौड़ वैष्णव हैं, अगर आप इस्कॉन के डिवोटीज हैं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, ये हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुकंपा उनकी कृपा के द्वारा दिया गया है। तो वही गौर हरि वही निमाई पंडित, आज के दिन उनके लंबे लंबे केश उनके बाल काटे गए थे, उनके हाथ में एक डंडा दिया गया, उनके हाथ में कमंडलू दिया गया, उनके कानों में जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो पूरे त्रिलोकी का गुरु है, आज उनको संन्यास दीक्षा दी गई। ये सारे के सारे फैक्ट्स
आज सिर्फ फैक्ट्स नहीं सुनाऊंगा मैं, आज तो मैं आप सभी को उस स्थान पर लेके जाऊंगा, कैन यू इमेजिन, जहां पर श्री गौरंग महाप्रभु के बाल काटे गए थे, उनको संन्यास दंडा दिया गया था। ये सारे के सारे दर्शन आज आपको होने वाले हैं। सो स्टिल स्टिक टू द एंड। नंबर थ्री, तो नंबर वन हो गया कि आज के दिन ही श्री गौरंग महाप्रभु ने संन्यास लिया। दूसरा, आज के दिन ही भीष्म पितामह जी ने सूर्य उत्तरायण का वेट कर अपना शरीर त्यागा था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए। नंबर थ्री, आज के दिन ही, बोलो हर हर गंगे, आज के दिन ही गंगा मैया क्या करती हैं, जब भगवान वराह का जो हिस्टो, जब वो ऊपर के प्लैनेट्स को क्या करते हैं, भगवान वामन की लीला से भी और वराह भगवान की भी लीला से आता है। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था तो उन्होंने तीन पग मांगे थे बलि महाराज से, दो पग तो दे दिए, लेकिन तीसरे पग में भगवान ने पूरे ऊपर के लोग हैं, ये पृथ्वी लोक और नीचे के लोग सारे नाप दिए थे, तो देयर वाज नो स्पेस टू पुट हिज थर्ड फुट। अब क्या हुआ, बलि महाराज जी ने कहा कि भगवान, हे प्रभु, आप मेरे क्या करो, मस्तिष्क के ऊपर आप अपने चरण रख लीजिएगा। तो जब भगवान वामन ने ऊपर के लोक पर अपने पैर ऊपर करे थे, सो हिज टू पियर्स द अपर प्लैनेट, और वहीं से गंगा प्रकट हुई थी, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। मेरे पीछे भी आप इस समय नवद्वीप से श्री गंगा मैया के दर्शन कर रहे हो। इस समय आप, ये गंगा मैया है मेरे पीछे, और इस गंगा मैया के तो इतने 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 अनोखे, इतने अमेजिंग फैक्ट्स हैं, इतनी प्यारी लीलाएं। आपको एक बात बता देता हूँ, यही वो गंगा मैया है, यही वो घाट है, यही वो तट है जहाँ पर महाप्रभु ने अपने बाल कटवाने के बाद यहीं पर गंगा मैया में स्नान किया था। दिस इज द एग्जैक्ट गंगा फ्लोइंग 500 ईयर्स अगो, श्री चैतन्य महाप्रभु अपॉन कटिंग हिज हेयर, व्हेन द बार्बर कट हिज हेयर, कैसे सारा कटवा सारा नवद्वीप रो रहा था जब महाप्रभु के बाल काटे जा रहे थे, बिकॉज हिज हेयर्स वर द एपिटोम ऑफ ऑल स्वीटनेस, हिज हेयर्स वर लाइक द ब्लैक कलर ऑफ अ क्रो, हिज हेयर यूज टू फॉल डाउन टिल हिज शोल्डर्स, टिल हिज टिल हिज वेस्ट, इट वॉज द सेम हेयर विच अट्रैक्टेड ऑल द गोपीज, ऑल द अष्ट सखी, श्रीमती राधारानी, दैट हेयर्स वर गोइंग टू गेट कट टूडे, आज के दिन ही। तो श्री गौर हरि ने, गौरंग महाप्रभु ने इसी गंगा मैया में क्या किया था, अपने बाल कटवाने के बाद स्नान किया था। मैं आप सभी को कटवा से इस समय लाइव दर्शन दे रहा हूँ, और आप सभी को गंगा मैया के आचमन भी भेजूंगा, अभी हम चलेंगे नीचे। उसके बाद मैं आपको बता रहा था, तो जब गंगा मैया भगीरथ मुनि के पीछे पीछे चलने लगी उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, ऊपर के लोग, पृथ्वी लोक और नर्क लोक को तारने वाली है हमारी गंगा मैया, तो गंगोत्री से प्रारंभ होकर वो आई यहाँ पर गंगा सागर में। गंगा सागर इज इन बंगाल, इट्स इन वेस्ट बंगाल, और आज से 5 दिन का उत्सव शुरू होता है जो गंगा सागर में होता है। और आपको पता है सभी को, इट्स मकर संक्रांति, वन नेशन मैनी फेस्टिवल्स। आज के दिन पंजाब में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पंजाब वाले भंगड़ा पा रहे होंगे, गिद्दा पा रहे होंगे, है ना, रेवड़ियाँ और गच्चक और मूंगफलियाँ खा रहे होंगे। ऐसे ही दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जा रहा है, राजस्थान और गुजरात में पतंगे उड़ाई जा रही हैं, है ना, कितना कुछ हो रहा है हमारे इस पवित्र सुंदर भारत देश में। उसी प्रकार बंगाल में आज से 5 दिन का गंगा सागर में गंगा मैया की पूजा होती है। तो आज के दिन प्लीज़ आप सभी क्या करें, गंगा मैया की प्रार्थनाएं करें, सूर्य को आप प्रणाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, दान तपस्या करें। आज का दिन मकर संक्रांति का बहुत, चलिए अब हम चलते हैं, गंगा मैया का हम आचमन करेंगे। रिमेंबर, दिस इज द सेम गंगा मैया, आई एम ऑन द बैंक्स ऑफ दैट सेम घाट इन कटवा। बड़ी मुश्किल से हम आते हैं, ट्रैवल करते हैं आपको दर्शन देने के लिए, इट टेक्स अ लॉट, बट यस, इट ऑल हैज़ अ मीनिंग when all of you smile and take darshans and leave your beautiful comments. This is your very own Govind Krishna Das in Katwa, now going to give you Achman of Ganga Maiya, aur uske baad main aapko leke jaunga us sthan par, us mandir mein, aur wahin par baith ke aapko leela sunaunga kaise shri Gaur Hari
निमाई पंडित के किस प्रकार बाल काटे गए, क्या हुआ था, सची माता को क्या फीलिंग हो रही थी, पूरा नदिया आज के दिन रो रहा था। टुडे इज द लास्ट डे, बाय द वे आज वो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु स्टेइंग इन नवद्वीप। आज के बाद महाप्रभु कभी नवद्वीप नहीं आए थे, आज के बाद वो वृंदावन चले गए थे, जगन्नाथपुरी चले गए थे। 24 साल तक वो नवद्वीप में रहे, निमाई पंडित कलाए, उन्होंने विवाह किया विष्णुप्रिया माता जी के साथ, है ना। लेकिन टुडे इज द लास्ट डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप। इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर ऑल दी गौड़ीय वैष्णवस। किस प्रकार महाप्रभु सुबह के कितने बजे, कौन बताएगा, श्री गौरंग महाप्रभु कितने बजे अपने घर से निकल गए थे बिना बताए किसी को। सुबह के 3 बजे वो अपने घर से भाग गए, नवद्वीप से भाग गए, यहाँ पर इस स्थान पर आने के लिए, कटवा आने के लिए, सन्यास दीक्षा लेने के लिए। इट्स ऑल कमिंग योर वे, द सन्यास लीला एंड द सन्यास यू नो द सन्यास लीला दर्शन वेयर ऑल दिस लीला टुक प्लेस टुडे ऑन द एग्जैक्ट डे ऑफ मकर संक्रांति। जस्ट बी विद मी, दिस इज योर वेरी ओन गोविंद कृष्णदास। चलते हैं गंगा मैया का आचमन करते हैं। आज के दिन ही श्री गौरंग महाप्रभु ने इसी गंगा मैया में स्नान किया है। गाइस हमें और क्या चाहिए, हम और चीज़ के बारे में सोच कैसे सकते हैं ना। इट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कुड हैव टुडे। सभी कीर्तन करते हुए मेरे साथ नीचे चलेंगे, गंगा मैया का हम क्या करेंगे, आचमन करेंगे। हरे कृष्णा बोलो बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर से हरे रामा 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 हरे हरे। ये कुछ आप सब यहीं रहते हैं, हाँ ऐसे बोलो, ये सब कटवा के ही भक्त हैं, जब इनको पता लगा कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये सब भी मेरे को अपना आशीर्वाद देने के लिए आ गए। गौरंगा नित्यानंदा, ये भाई ना अपनी बाइक उड़ाकर आया है, बोल रहा था कि प्रभु जी मुझे पता लगा आप आ रहे हो, मैं बहुत तेज बाइक चला के आया हूँ। भाई प्लीज बाइक तेज नहीं चलानी है, आप एकदम रॉकस्टार हो। हाँ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? राजश्री। राजश्री जी हाँ। हरी बोल। आपका? टीमा पोदर। ओके हरी बोल। और आपका? शुभम घोष। शुभम घोष जी, चलिए चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग। हरी बोल, हरी बोल। मैं सभी को आचमन कराने के लिए जा रहा हूँ, सभी एक बार बोलेंगे गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा श्रीला प्रभुपाद की जय। चलिए 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 चलते हैं गंगा मैया का हम आचमन करते हैं। एवरीवन प्लीज गेट रेडी, टुडे इज एक्चुअली द, आज के दिन ही गंगा मैया प्रकट हुई है, आज के दिन ही गंगा मैया प्रकट हुई है फ्रॉम गंगोत्री एंड शी केम डाउन ऑल द वे टू गंगा सागर, एंड गंगा सागर इज इन वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज द सेम गंगा घाट वेयर श्री चैतन्य महाप्रभु took a dip after his hairs were cut by the barber. So we are extremely fortunate and lucky by the blessings of Srila Prabhupada and the spiritual masters. We have been able to take darshans today and do achman. Aiyega, aap sabhi apne mata pita ji ke naam ke liye, apne purvajo ke liye, you know, all your friends, all your families, you can just remember them. If anybody wants to send in their prayers to Ganga Maya, you can also comment. I am going to take achman. Chant the Mahamantra here 3 times for all of you also, and उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा दर्शन्स के लिए, जहां पर महाप्रभु को श्री केशव भारती जी ने संन्यास दीक्षा आज के दिन ही मकर संक्रांति के दिन दिए थे। वो स्थान कहां पर है? यहीं पर बस 5 मिनट की दूरी पे है, जिस बार्बर ने उनके बाल काटे थे, मधु पंडित जी उनका नाम है वो स्थान, उनकी समाधि भी यहीं पर है, और बहुत सारे अनेकों अनेक रोचक दर्शन्स। All right, हरी बोल। प्रभु जी कैन यू होल्ड दिस फॉर मी, ऐसे आप आराम से फिसलना मत, ठीक है ना, है। मैं थोड़ा आचमन करूंगा, आप दिखा दीजिएगा और मैं फिर सबको आचमन थोड़ा सा भेजूंगा, आप थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं।
एंगल चेंज कर, एंगल चेंज कर, देखिए मुझे जाओ मायापुर Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. সব যায় तो भी आप प्रेम से गंगा मैया का दर्शन करिए। यहाँ पर गंगा मैया गंगोत्री से प्रारंभ होकर यहीं पर बंगाल में गंगा सागर तक आती हैं और आप अभी दर्शन कर पा रहे हैं गंगा मैया का। इसी घाट पर हम बुक्स में पढ़ेंगे, हम लेक्चर सुनेंगे आज महाप्रभु की संन्यास दीक्षा के बारे में, और तब वर्णन आएगा कि महाप्रभु ने गंगा का स्नान किया था अपने बाल कटवाने के बाद। तो ये वही दर्शन आप कर रहे हो एक्सक्लूसिवली लाइव फ्रॉम कटवा। गंगा जी में महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। गंगा जी के तट पर बैठ के ही केशव भारती को उन्होंने स्मैश किया था व्हेन ही वाज डूइंग यू नो डिस्कशंस ऑन शास्त्रस। ये दूसरी लीला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दर्शन की ओर। रोहित, यस अभी मिलता हूँ मैं आपसे, आप आ रहे हो क्या? चलो चलो, हाँ चलो फिर आते हैं। यार ये डिवोटी बहुत ही स्पेशल है, ये मैं बंगाल में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहीं पहुँच रहा है, वहीं पहुँच रहा है ये, है ना? रोहित प्रभु है इनका नाम। कहाँ से आए हैं? बहरमपुर। बहरमपुर कितनी दूर है यहाँ से? 60 होगी, 60-70 किलोमीटर। Three hours? अरे प्रभु। Anyways, सोना विमला प्रभु is also here with me. अभी हम बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन करेंगे। विमला प्रभु बताओ सबको हम कहाँ जा रहे हैं, like how auspicious this place is, how important this place is, and also विमला प्रभु बहुत सारे भक्त मेरे को बता रहे थे इस्कॉन की मायापुर के भक्ति बता रहे थे कि हम ही नहीं गए आज तक कटवा। लॉर्ड ऑफ डिवोटीज हैव नॉट टेकन दर्शन ऑफ द प्लेस वेयर श्री चैतन्य महाप्रभु हैज टेकन संन्यास। एम आई राइट प्रभु? यस यस यस। ओके टेल देम अब ये कहां का दर्शन हम इनको कराएंगे, एंड आल्सो यू कैन से समथिंग इन बंगाली। लॉर्ड ऑफ बंगाली डिवोटीज आर देयर विद अस। बांग्ला बोलवो अरे बांग्ला आमी आबो, तारा ताड़ी बांग्ला आबो आमी। यू मस्ट स्पीक। अगर आप चले गए ना, आप सोच नहीं सकते आपको कितने सुंदर रेयर दर्शन आप मिस कर जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए बंगाली में। प्रथमत আমরা তো এখন রোহিত প্রভু বলো, প্রথমত আমরা তো যাচ্ছি এখন গৌরাঙ্গ বাড়িতে। গৌরাঙ্গ বাড়ি হচ্ছে এটা স্থান যেখানে মহাপ্রভু আজকের দিনে স্পেশালি মকর সংক্রান্তির দিনে এসে এখানে ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন, রাইট? কেশব ভারতী। ওকে কেশব ভাইয়া অন্যদর দিবা। ওকে ইয়া ইজ রাইট। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হ্যাড টু স্পিরিচুয়াল মাস্টার্স, ঈশ্বর ইয়া ईश्वरपुरी एंड केशव भारती। ईश्वरपुरी गेव हिम यू नो यू कैन से द शिक्षा गुरु, केशव भारती गेव हिम द संन्यास। ओके यस। सो ओकटा ओटा हमरा दर्शन करबो हियर हियर नो नो दैट सीधा या या ओके ओके ओके। तो তারপরে আমরা দর্শন করব যে মহাপ্রভু যখন মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নেওয়ার আগের যে দর্শনটা ছিল
He was like so beautiful. Yeah. Eto boro boro chul, sundor boshol, lomba, ajanu lombito jetake bole, ekdom eto boro. Ajanu lombito kanakavadapo sankirtane kapitaro kamalayataksho vishwambharo dvijabharo yugadharma palos vande jagat priya karo करुणावतारो. श्री कृष्ण भगवान के सबसे करुणा वरुणालय द मोस्ट मर्सीफुल अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु. yes. यही प्रभु जी बता रहे थे कि करुणा अवतार गौरंग महाप्रभु इतने सुंदर लगते हैं लेकिन yes. आज उनके बाल कटने जा रहे हैं. हाँ. yeah. तो दीक्षा के पहले सबका मस्तक मुंडन होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि बाल जो होता है ये अहंकार होता है. yes. तो जब दीक्षा होता है समर्पण होता है महाप्रभु के चरण में, गुरुदेव के चरण में. बहुत सुंदर. बाल काट के क्या होता है, चूल कटे की है और अहंकार टेके चूर्ण करा है. অহংকার চূর্ণ করার জন্য মহাপুর যে সুন্দর কেশ সেটা মুন্ডন হয়েছিল আজকে. দিস ইজ দ্য টেম্পল. ইয়া নো নো উই নট গোইং টু টেম্পল রাইট নাও. তো আজকে দিন বিমলা প্রভু বাল কাটবায়েঙ্গে. ইয়েস ওকে বিমলা প্রভু. সো ওই জায়গা যা নেই জায়গা নেই যা রে আর বিমলা প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে. আরে ভাই থোড়া আলাদা হয়ে গে. ওকে প্রভু আবি আগে যাওয়ার সে পেলে মে ছোটা সা ফ্রন্ট ভিউ দিখাউঙ্গা. ওকে आइए गौरंगा नित्यानंदा. सो रिमेंबर टुडे इज द लास्ट डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन नवद्वीप. उसके बाद वो नवद्वीप छोड़कर वृंदावन की ओर जाते हैं, जगन्नाथपुरी की ओर जाते हैं. टुडे वॉज द लास्ट डे वन श्री चैतन्य महाप्रभु हैड वन मील इन यू नो नवद्वीप इन मायापुर. हु विल टेल मी एंड कमेंट वो कौन सा लास्ट मील था, वो क्या प्रसाद था जो गौरंग महाप्रभु ने आखिरी नवद्वीप में खाया था और वो कौन लेके आया था महाप्रभु के लिए. लेट मी सी इफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन. अब आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे दर्शन कर सकते हो. कटवा में मैं हूँ इस समय और ये मंदिर बिल्कुल पीछे मेरे जो बिल्कुल पीछे है, यहीं इसी स्थान पर आज से 500 वर्ष पहले आजान उलंबितो कनकावदापो हमारे गौरंग महाप्रभु जिनकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, कमल नयन उनकी आंखें हैं, उनके बाल कमर तक जो नीचे गिरते हैं, आजानुलंबितो उनके जो हाथ हैं जब वो कीर्तन करते थे, ये युग धर्म संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही स्टार्ट किया है. आज अगर आप गलियों में हरे कृष्ण संकीर्तन सुनते हो, आज अगर आप कीर्तन मेला सुनते हो, अगर आज आप हरी बोल नृत्य करके हुए नाचते हो, इफ यू आर चैंटिंग इफ यू आर डांसिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. क्योंकि गौरंग महाप्रभु से पहले सिर्फ अपने अपने घरों में लोग बैठ के भजन करते थे, ध्यान करते थे, तपस्या करते थे. युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की स्थापना करी श्री गौरंग महाप्रभु ने. तो सारी लीलाएं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मैं अंदर आपको सुनाऊंगा. चलिए मंदिर की ओर चलते हैं. द एग्जैक्ट प्लेस वेयर श्री चैतन्य महाप्रभु गॉट संन्यास दीक्षा ऑन मकर संक्रांति. How fortunate are we? Jai, chaliye. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Chaliye. अरे फोटो हमको खींच लो, हमारा फोटो एक खींच लो. We all will enter in the temple with loudly chanting Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा.
कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्ण संग पांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय हे यजन्ति सुमेधसः नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखो शमनम त्वं नमामि हरि परम चैतन्य रिदास अमि दासेरे अनुदास नाम विनु कलिकाले नहि आर धर्म सर्व मंत्र सार नाम ऐ शास्त्र मर्म जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा, हरी बोल। ओके, हरी बोल। चलिए मैं थोड़ी सी जगह ढूंढता हूँ आपको लीला सुनाने के लिए। आई विल सिट ओवर हियर, नीचे बैठ के आपको उस कथा सुनाऊंगा, क्योंकि श्री गौरंग महाप्रभु नवद्वीप से जब यहाँ पर कटवा आए थे सन्यास दीक्षा लेने के लिए। नाउ यू हैव एंटर्ड द प्रमाइसेस वेयर श्री चैतन्य महाप्रभु टुक सन्यास टुडे ऑन मकर संक्रांति। तो वो सबसे पहले आकर पता है कहाँ बैठे थे? इस स्थान पर। आई एम गेटिंग गूसबम्स राइट नाउ। इस स्थान पर गौरंग महाप्रभु बैठे हैं अंडरनीथ दिस ट्री। दिस ट्री इज स्टिल ओवर हियर, यू कैन कम फॉर दर्शन। मैं एक बार फ्लिप कर देता हूँ। This is that exact tree. 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu came and sat underneath this tree along with Nityanand Mahaprabhu and only five associates. Panch aur bhakt, wo Navdweep se yahan par leke aaye the. Baakiyon ko to bataya hi nahi tha. Nityanand Mahaprabhu was with him. Chandrashekhar was with him. Mukunda was with him. Aur yahi par Gaurang Mahaprabhu aakar baithe the. अब सुनिए, लीला इस प्रकार है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरंग महाप्रभु आज के दिन नित्यानंद महाप्रभु से कहते हैं कि अब मेरे को सन्यास दीक्षा लेनी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो मेरे आदेशों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। वन टाइम इट सो हैपेंड दैट गौरंग महाप्रभु स्टार्टेड चैंटिंग गोपी गोपी, अनेक गोपियों के नाम लेने लग गए। तो उनके ही भक्तों ने उनको कहा कि आप गोपी गोपी क्यों कह रहे हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिएगा। तो महाप्रभु समझ गए ये सभी भक्त लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, जानते नहीं है वास्तव में मैं कौन हूँ। राधा और श्री कृष्ण के मिलित अवतार ही गौरंग महा